देखिए पैंडेमिक जो हुआ 2019 में, उसके बाद पूरी दुनिया में ट्रैवल ट्रेंड्स लगभग ऐसे हैं कि फॉरेन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं किसी देश में, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। और भारत में भी अब हमारे फॉरेन टूरिस्ट की करीब करीब वो संख्या पहुंच गई है जो पैंडेमिक से पहले थी। तो डेफिनेटली भारत सरकार की तरफ से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर की तरफ से ये कोशिशें हैं कि कश्मीर की नई डेस्टिनेशंस को मार्केट किया जाए, जो पुराने कश्मीर की शान है, जो डेस्टिनेशंस, उनके बारे में बात की जाए, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए ताकि फॉरेन टूरिस्ट आए। मुझे लगता है कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि नंबर्स हम बढ़ते हुए देख रहे हैं और धीरे धीरे ज़रूर हम उस नंबर पर पहुंचेंगे जो पहले हुआ करता था। एक प्रयास है उनकी तरफ से उनकी समस्याओं को जानने का, ताकि हम लोग साथ में मिलकर उनकी समस्याओं को सुलझा सकें और साथ मिलकर हम लोग कश्मीर में पर्यटन के लिए काम कर सकें। इसके अलावा इन्वायरमेंट को साफ रखना, इन्वायरमेंट की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार का कार्यक्रम है मिशन लाइफ, और जिसका जो टूरिज्म वाला जो सेक्टोरल प्रोग्राम है उसे ट्रैवल फॉर लाइफ कहते हैं। तो ट्रैवल फॉर लाइफ के अंतर्गत ये कोशिश है कि जितनी हमारी टूरिज्म यूनिट्स हैं, जितने टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे होटल्स हों, होम स्टेज हों, रेस्टोरेंट्स हों, वो सब अपना वेस्ट मैनेजमेंट, अपना वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सीवेज मैनेजमेंट इस तरह करें कि इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को उससे कोई नुकसान ना पहुंचे और जो हमारी डेस्टिनेशंस जितनी सुंदर हैं, प्रिस्टीन हैं, वो वैसी ही बनी रहें। तो उसके बारे में बात की गई। और इसके अलावा हम लोगों ने बात की कि किस तरह हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं यहाँ टूरिज्म यूनिट्स में जो स्टाफ है, ताकि एक जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है उससे बेहतरीन से बेहतरीन बनाया जा सके। वैसे तो कश्मीर की मेहमान नवाजी मशहूर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं जो ट्रेनिंग से आते हैं। इसके अलावा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारी नई डेस्टिनेशंस को भी डेवलप कर रहा है, तो वहाँ डेवलपमेंट का क्या रुख होना चाहिए, कैसे हम वहीं की लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करें और उनको ट्रेन करें कि वो अपने एरिया में आने वाले टूरिस्ट के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, इन्हीं संबंधों पर बातचीत। यहाँ का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, कई डेस्टिनेशन में नई मुतारिफ की है, इंट्रोड्यूस की है, मगर जो टूरिस्ट वहाँ जाता है, लोकल हो, हाँ हो, यहाँ का हो या मकामी हो, गैर मकामी हो, तो वो शिकायत करते हैं कि बेसिक फैसिलिटीज वहाँ नहीं है। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इकदाम उठा रहा है? देखिए, किसी भी नई जगह को डेवलप होते हुए कुछ समय लगता है, एक डिमांड आती है, इट्स अ कैट एंड माउस स्टोरी। अगर फैसिलिटीज़ बनी रहीं और टूरिस्ट नहीं रहे तो फिर फैसिलिटीज़ बेकार हो जाएंगी। तो जैसे जैसे टूरिस्ट बढ़ते हैं, धीरे धीरे फैसिलिटीज़ भी उस तरह से आती हैं, कुछ सरकार बनाती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर में बनती हैं, कुछ धीरे धीरे वहाँ के लोग खुद ही प्रोवाइड करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि हम उस प्रोसेस में हैं आज की डेट में कश्मीर में, और यही स्टेक होल्डर से जानना था कि कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ किस तरह की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, ताकि भारत सरकार, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेक होल्डर्स सब मिलके उन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर सकें।